नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। लगातार शहर से जनता का रुझान दिखा रहे हैं, लगातार जनता का मूड बता रहे हैं। रोहतक लोकसभा हॉट सीट हरियाणा की, वहां हम झज्जर शहर में हैं और लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि जनता का मूड बताइए शहर से। तो इसलिए शहर से लगातार वीडियो दिखा रहे हैं आपको। आइए बताते हैं झज्जर शहर के अंदर जनता का क्या मूड है और जनता अब की बार किसके सर ताज सजता हुआ देखना चाहती है, किसको अपना सांसद बनता हुआ देखना चाहती है और किसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। आइए बात करते हैं, भाई साहब को डिस्टर्ब कर लेते हैं। पहले भाई साहब रेडी बैठे हैं काम करवाने के लिए। भाई साहब सॉरी डिस्टर्ब करेंगे, माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं। क्या लग रहा है भाई साहब, अब की बार जनता क्या मिजाज है? मिजाज तो जी साफ ही दिख रहा है यहाँ तो। अच्छा, साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है जी यहाँ तो। बताओ तो फिर। हुड्डा साहब अपने दीपेंद्र जी, दीपेंद्र हुड्डा क्लियर दिखा रहे हैं एक तरफा जी। क्या रीजन लग रहा है दीपेंद्र हुड्डा क्यों क्लियर है? रीजन जी, यहाँ 10 साल से पहले ये थे अपने बीजेपी थी, अरविंद शर्मा जी थे, तो ना तो कभी किसी के घर पे जाना, ना आना, ना गाँव में, ना गवांड में किसी के भाई कोई खबर लेने के लिए, कोई अच्छा बुरा जो भी है। दूसरी बात विकास के, हमारे सारे रोड ऐसे टूटे पड़े हैं, ना कोई विकास हुआ। बहादुरगढ़ का रोड देख लो आप, यहाँ से बहादुरगढ़ हमारे को किसी ने पूछा नहीं इस योजना में। लोकल की बात कर रहे हो आप, लेकिन जैसे मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी कह रहे हैं भाई मैंने 12 घंटे के रोड को 6 घंटे का बना दिया है, ऐसे हाईवेज बना दिए हैं। गडकरी साहब कह रहे हैं हाईवेज बना दिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर वो पैसा लग कहाँ रहा है? वो तो ये बताएं जी कहाँ लग रहा है। 6 घंटे के रोड जो थे उनको तो 18 घंटे का बना दिया उन्होंने, कहाँ बना दिया 3 घंटे का। अच्छा, अब आप ये झज्जर से बहादुरगढ़ रोड ही देख लो। हाँ, हालत खराब है उसकी। अब देखो आप उस पर चलने की हालत नहीं है। 20 मिनट का रास्ता है जी झज्जर से बहादुरगढ़, 1.5 घंटा लगता है जी वहाँ, सारी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। दूसरी बात, चलो उस बात को भी छोड़ो आप, क्या रोजगार दिए इन्होंने कोई ये नए रोजगार को लेके भी उनका कहना है कि हमने तो बेरोजगारी खत्म कर दी है, हमने अग्निवीर ले आए हैं हम। और अग्निवीर का तो आप बताओ ना, आपको खुद ही पता अग्निवीर पीछे से 5 से 10 दिन पहले अब एक लड़का शहीद हुआ, कहाँ हुआ है? यही हुआ, रेवाड़ी साइड में। उसको मिला शहीद का दर्जा? बताओ क्या मिला? दर्जा नहीं मिला। उसके छोटा एक बच्चा 6 महीने का, उसकी वाइफ है, अब क्या बीतेगी उसके ऊपर? गया बेचारा वो, अब इस अग्निवीर योजना में उसका बेनिफिट क्या हुआ? बाबू से पहले बेटा रिटायर क्या हो, तो बिल्कुल ही भगवान को ही प्यारा होगा तो उसको। नहीं तो जो आदमी देश की सेवा के लिए मान लो शहीद होता है, कम से कम उसको पैसे दिल्ली छोड़ो आप, एक समाज में मान सम्मान तो मिले उसको, शहीद का दर्जा तो मिले। आप कम से कम उसको दर्जा ही दिलवा दो शहीद का। पैसा चलो कमा लेंगे भाई, अगला कुछ कर लेगा, अपना रेडी लगा लेंगे, जो मर्जी लगा लेंगे जी, जी, जी। लेकिन अब वो फौज में हमारे देशों की सेवा करते हुए गुजरा है बेचारा, शहीद हुआ है, और उसको कम से कम एक शहीद का दर्जा दिलवाओ आप। अच्छी बात बोली आपने। अब लेकिन मोदी जी कह रहे हैं भाई मैं राष्ट्रहित के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पूरे देश को एक साथ लेके चल रहा हूँ, मैं राष्ट्रहित के लिए सारे विकास कार्य कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या बोलोगे सर? विकास कार्य कहाँ दिख रहे हैं आपको बताओ ना। अब एक छोटी सी बात तो, राम मंदिर बनवा दी इन्होंने, राम मंदिर बनवाया है, जो भी राम मंदिर बनवाया है आपने, 370 हटवाई है धारा, 3 तलाक हटा दिया। देखो राम मंदिर जो बनवाया है उसकी अवेज में कोई अच्छे से हॉस्पिटल बनते, जब कोरोना काल के अंदर लोगों को भाई साहब हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे थे, लोग तड़प तड़प के मरे लोग बाग। अरविंद शर्मा का ये बयान आया है कि भाई कोरोना काल के दौरान मैं लोगों से जुड़ा हुआ था और घरों लोगों के विजिट किया है, और किसी हर घर में मैंने खुद ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचवाए, किसी आदमी को मरने नहीं दिया है। इस बारे में क्या भाई साहब? मैं अरविंद शर्मा की बिरादरी से हूं, पंडित जी हूं मैं जी। आज तक मैंने तो उसका शिकल देखी नहीं 5 साल के अंदर, गाँव में घरों में छोड़ो, मैंने तो झज्जर में देखा होगा आज तक। अच्छा, दूसरी बात, कोई काम करने का आज तक कभी कोई काम किया हो, किसी घर न गया हो, कोई मरे पे जीव पे किसी पे शादी में ब्याह में कई मामले देखे नहीं आज तक। वो खासा रोष निकल के आ रहा है ये हम जनता का लगातार सर्वे कर रहे हैं। इन आदमियों की एक ही मूर्खता थी, ये आदमी घर पे बैठे रहे 5 साल, अगले 2 महीने के अंदर जैसे इलेक्शन आएंगे मोदी जी जिता ले जाएंगे। अरे मोदी जी क्यों जिताओगे? तो मैंने जिताओ तुम्हारे काम जिताओ, काम तो किए नहीं, घर से बाहर निकले नहीं है कभी। सही बोला आपने, इनको तो ये वहम था भी मोदी जिता ले जाएगा। पिछली बार जैसे मोदी की खुद पोल खुलने लग रही है आज के दिन, नहीं खुल रही। पिछली बार जैसे भाई साहब आपने भी देखा था मोदी जी की एक लहर थी, और मोदी जी के चेहरे को वोट मिला था, ना कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को। इसको तो जीतने वाली आपको कंडीशन का पता ही है। अब की बार लग रहा है लोग जनता जो मोदी जी के अब तो गाना भी लॉन्च हो गए। क्या करूं भरोसा तेरा, तू मोदी ते भी झूठी है, हरियाणा गाना आ गया वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चल रहा है गाना, सुन लो आप यूट्यूब पे सुनो, है हकीकत गाना। अच्छा, हकीकत गाना है साहब ये। हाँ। लोगों को पूरे देश को पता लग गया झूठ का पता लग गया। अब बताओ 15 लाख कहां है, आए आपके अकाउंट में? मैं तो सोच रहा था ब्याज खा रहे हो। ना ब्याज भाई साहब कहां, वो मिल जाए वही मिल जाए बतेरा है। ना कहां 15 लाख, किसान बेचारे देखो आप क्या कर रखे इनकाल। अच्छा, अब बताओ किसानों की हालत खराब कर दी। हालत नहीं, किसानों की खराब मट्टी कर दी इन्होंने, बर्बाद कर दिए बेचारे। अब बताओ किसानों को पिटा बता रहे हैं, पहलवानों को पीटा बता रहे, सरपंचों को पीटा बता रहे, सरपंचों को, और वैसे
जो कर्मचारी है उनको, सफाइयों को, आशा वर्कर को, हर चीज को पीटा भाई साहब, किसको छोड़ दिया? पीटने के बाद कौन वोट देगा? कोई ना दे भाई साहब, ये तो एक लग रहा है आपको? ना बिल्कुल बिल्कुल जीरो बिल्कुल। अब की बार मोदी जी? ना भाई साहब, हम तो ध्यान है मोदी जी, गारंटी ना मोदी की वोट दे। अच्छा, तो दीपेंद्र हुड्डा की वोट साथ जाओ? दीपेंद्र हुड्डा साथ इसलिए जाएंगे, वो एक सामाजिक आदमी है, एमपी बने ना बने एक अलग मैटर है, लेकिन उस आदमी ने 5 साल के अंदर अपने हर गांव के अंदर, हर कस्बे में, हर शहर में, हर कॉलोनियों में, हर बाजार, यहाँ बाजार में उसने पिछली बार भी यहाँ रोड शो है, उसने अपनी शक्ल दिखाई लोगों को, दुख सुख में साथ रहा हो, चाहे उसके हाथ में कुछ था चाहे नहीं था, लेकिन वो आदमी लोगों के बीच में खड़ा हुआ है 5 साल। तो मतलब काम करवाए? बिल्कुल कराए सर, ये एम्स रहा हमारा, ये रेलवे लाइन रही हमारी झज्जर की, ये काम सारे ये हुड्डा साहब में आए के टाइम पाए थे, ये झज्जर से रेवाड़ी रोड से रेल गई हमारी, ये ठीक है मेट्रो हो गई वादुगढ़ वाली, एम्स रहा हमारा, यहाँ कैंसर का जो हॉस्पिटल चल रहा है, लोगों को रोजगार भाई साहब, नहीं सबसे बड़ी रोजगार यहाँ के, रोजगार के लिए। तो लग रहा है हुड्डा साहब आते हैं, दीपेंद्र हुड्डा आते हैं, तो रोजगार को लेके विकास कार्य खासी थे जी, हमने तो जो देख अपनी लाइफ में देखा है, हमने 4-5 वोट डाली आज तक अपनी जिंदगी में, जो उसने कह दिया वो किया है, किया है। ड्रामे नहीं करेंगे तेरे 15 लाख आएंगे, ये आएगा वो आएगा, हुड्डा साहब ने कह दिया पहली कलम से ये होगा तो हुआ है, गारंटी दो लेकिन सॉलिड दो, सॉलिड दो, झूठ बोलने क्या फायदा, बस झूठ बोलने। तो एक और चीज पूछूंगा मैं भाई साहब, हम लगातार जनता का सर्वे कर रहे हैं, लोगों का, गांव का भी, शहर का भी मूड बता रहे हैं, एक लहर है आज के दिन गाँव के अंदर, खासकर युवा जो हमारे हैं उनके अंदर, कि भाई हम दीपेंद्र हुड्डा के अंदर कांग्रेस नेता या उसको नेता नहीं देखते, हम उसको भाई देख रहे हैं, ये क्या लहर है? हुड्डा साहब की खास ऐसी है जी, आप उसका जो मिजाज है ना वो बिल्कुल ही पोलाइटली मिजाज उसका, उसे कोई भी आदमी नॉर्मल से नॉर्मल नेता की तरह मिलते ही ना जी, नेता वाले तो उसके अंदर वो है ही नहीं। दूसरी बात, युवाओं को एक उस पर ये विश्वास है भी आते ही हमें कुछ ना कुछ हमें रोजगार वगैरह वो दे सकता है, दे सकते हैं, ठीक है। इन्होंने तो अग्निवीर दे दिया या ये कौशल रोजगार में दे दिए, लोग कच्चे कर्मचारी लगा दिहाड़ी मजदूर बना दिए, लेकिन उनको एक उम्मीद है ये सरकार आएगी तो हमें कुछ ना कुछ काम होगा। तो रोहतक लोकसभा से क्या मार्जिन से जीता रहे? तक लोकसभा से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से हुड्डा साहब जीतेंगे लग रहा है आप? बिल्कुल 100%। 10 सीटों पे बात करें तो? 10 सीटों पे आप मान के चलो, हम तो ये कहते हैं 10 की 10 सीट भी कांग्रेस को आ सकती है, आ सकती है बिल्कुल 100%। देखो भाई साहब, मैं क्वेश्चन फिर करूंगा आपसे, जब शुरुआत हुई इलेक्शन कैंपेन की, उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि कांग्रेस जो है वो एक सीट पे सिमट रही है, वो भी रोहतक सीट पे, लेकिन आज के दिन जो लहर है वो कह रहे हैं कि 7 से 8 सीट कांग्रेस की आ सकती है। सर जैसे ही कांग्रेस की टिकटों का बंटवारा हुआ, हालांकि थोड़ा सा 10-5 दिन लेट हुआ था, लेकिन वो एक नंबर का हुआ। अच्छा, एक एक प्रत्याशी जो है हर लोकसभा सीट से, वो मंथन जो चल रहा था वो इनका जायज चल रहा था, उसी प्रत्याशी को इन्होंने टिकट दी है जो जीत के लिए का दावेदार भी है। आप आज के दिन 10 की 10 सीट उधर, आप ये है गुड़गांव सीट पे राविंदर जी सबसे मजबूत बताया जा रहा है इनका, वहाँ भी मुकाबला हो गया, वहाँ पसीने आ चुके हैं, पसीने आ चुके हैं पूरे मुकाबले में, शुरुआत में वो भी सीट एक तरफा, सीट एक तरफा लग रही थी। खट्टर साहब को तो पसीने 5-7 दिन पहले आगे थे, ठीक है जी, तो लोगों को पता लग गया झूठ और सच का आज के दिन। चलो, तो दीपेंद्र हुड्डा लग रहा है आपको एक तरफा जीत, 200%। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई साहब तो टोपी लगाए हुए हैं, टोपी लानी पड़ी, और क्या लग रहा है, मिजाज क्या है? फिट है मिजाज, टोपी लगा ली आपने तो कांग्रेस है 10/10 दस बटा दस नहीं, पूरा देश बटा दे, ये नहीं होगा 400 इनकी 40-50 ढूंढ लेंगे। अच्छा, तो क्या लगा, किस वजह से? ऐसा देखो, अपना सांसद हुड्डा जी का जो परिवार है ना, इनकी शराफत देखो, उनकी धर्मपत्नी को मैंने कल पहली बार देखा था बादली हलके के गांव में। जी जी जी, वो फर्स्ट टाइम ही कैंपेन कर रही है। बादली हलके मैंने पहली बार देखा था, उनका गाँव था बुपनिया, देर शाम हो रही थी, मैं भी आ रहा था वहाँ से, मैंने मगा भी देखेंगे, मैंने तो पहली बार देखी वो कैंपेनिंग करती, हर लेडीज से मिली, हर वोटर से मिली, बुजुर्ग से के पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया, और जो उसका उसका जो भाषण था वो भी एक गजब का था। नहीं, हमने भी सुना है उनका भी चीजें, तो मतलब लोगों से जुड़ाव को लेकर। मैं हूँ पार्टी का सिपाही, नेता नहीं हूँ, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। तो आपको लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा जीत रहे हैं इनसे? भाई भाई ने तो बताई है, पंडित जी ने तो बताई है 2.5-3 लाख की, और मन नहीं चला गया 5 लाख के ऊपर जीत जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। ये 5 लाख बताइए। अरे एक और सुन, वो एक बाबा यो मैंने देखी थी बूढ़े ताऊ की, नूले भाई मोदी की जुबान की और चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं, दीपेंद्र हुड्डा की जुबान की सब क्या की गारंटी है, और यह जनता ने परख रखा इसलिए उसकी गारंटी दे, हर आदमी गारंटी देगा, यहाँ जितने बैठे ने सारे गारंटी देंगे हुड्डा साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। राम राम जी भाई साहब। नमस्कार जी। क्या लग रहा है भाई साहब आपकी बार, क्या मूड है शहर की जनता का? शहरी जनता दीपेंद्र का मूड है, दीपेंद्र बनाए, दीपेंद्र के साथ जाओगे? किस वजह से जाओगे? काम करवाए जी, काम करवाए, नौकरी दीजिए,
जी। बीजेपी सरकार भी कह रही काम करवाए हमने, बहुत ज्यादा काम करवाए, जज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं जी। जहाँ चौक टूटे पड़े जी, चौक पर देख लो गोडे वोडे गड्ढे हो रहे हैं, कहीं निकलने का रास्ता नहीं, बारिश हो तो पानी निकलता नहीं कहीं भी। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि पानी की निकासी के लिए पूरे रोहतक लोकसभा में मैंने खुद काम किया है और पानी की आज के दिन कहीं भराव नहीं है। हमने भराव कहीं, हमने तो कभी देखा नहीं जी उसको, कहीं भी नहीं काम हुआ नहीं उस चीज, कोई काम नहीं हुआ जी। जी तो आपको लग रहा है कि दीपेंद्र के साथ? दीपेंद्र के साथ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब से पूछ लेते हैं। दीपेंद्र, दीपेंद्र अच्छा मन बना रखा है पूरा के बाद, दीपेंद्र क्यों? अच्छा आदमी है, आदमी अच्छा है, सिर्फ इस वजह से काम करवाते हैं? काम करवाता है, पहले देख रखा। अच्छा अरविंद शर्मा ने काम नहीं करवाए? हमने तो दिख नहीं रहे काम, तो दीपेंद्र के साथ जाओगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। राम राम जी। राम राम भाई साहब, क्या लग रहा है भाई साहब, क्या मूड है जनता, शहर की जनता आपकी बार मिजाज क्या? दीपेंद्र हुड्डा क्या हाल, हरियाणा में कांग्रेस आनी है भाई साहब। अच्छा जी। हाँ जी। 10 सीटों का है, 10 की 10 कर दिया। अच्छा हाँ। क्या रीजन लग रहा है, क्यों है ये लहर, किस वजह से आ गई है, बदलाव क्यों? जनता परेशान कर रखी है भाई साहब। अच्छा बिजली पानी में भी कोई भी सुविधा को ना, एक मानस पीटे बिना छोड़ नहीं। अच्छा हाँ। तो जनता बता दो, आप खुद रिपोर्टर हो, एक भी अगर को कर्मचारी किसान मजदूर एक भी छोड़ तो अत्याचारी सरकार बना दिया है। बिल्कुल मतलब बीजेपी को। हाँ बिल्कुल अत्याचार कर रही है, ये तो दिख रहा है, सदाए दिख रहा है अत्याचारी तो। अच्छा तो इसलिए जनता जो उब गई है? हाँ उब रही है, तो इसलिए बदलाव चाहती है। बदलाव तो होना है भाई साहब, होएगा बदलाव। दीपेंद्र हुड्डा को कितनी मतों से जिता रहे हो अभी बार? यो तो भाई साहब गिनती एक होना कितने व्यक्ति जीतेगा। अच्छा हाँ, पहले जो रिकॉर्ड था उससे ऊपर है, ऊपर है। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब से बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या लग रहा है भाई साहब आपका मत क्या कहता है? अपना एक तरफा बता रहे हैं तो एक तरफा बिल्कुल है जी, एक तरफा है जी। ऐसा क्यों, किस वजह से लग रहा है एक तरफा? ये जी बीजेपी सरकार तो आम आदमी बिल्कुल परेशान हो चुका है। अच्छा ऐसा क्या किया बीजेपी सरकार ने? सब कुछ, बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं और रोजगार नहीं। हाँ। बीजेपी सरकार कह रही है हमने तो सारे इतने काम करे, किसी सरकार ने करे ही नहीं। नहीं जी नहीं करा कुछ भी। अच्छा कोई काम नहीं। ये जो 10 साल पहले रोड बने थे वे रोड हैं, पानी का समाधान दीपेंद्र हुड्डा जी ने कराया था अपने प्रयास से, और को किसने नहीं करा काम। अच्छा हाँ जी, तो ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी। अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा था जनता से, हम पूछ रहे थे और गांव में भी हमने क्वेश्चन किया था कोरोना के दौरान। हाँ जी। जो ये कोरोना वैक्सीन जो लगी है, हाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। हाँ सुना है आपने इस चीज के बारे में, कोरोना वैक्सीन जो लगी है? हाँ हाँ। इससे कह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है जी बिल्कुल, पहले होया करता अटैक, बिल्कुल मानना है जी, पहले अटैक होया करता, ये बहुत सीधा आर्ट फेल। तो इसमें सरकार की कमी है कहीं? कमी है। हाँ। दवाई बनाने में जी रिसर्च चल रहा है, कई साल लग जाए हैं। हाँ। इन हाथों हाथ बना के दे दी। अच्छा चंदा दो, काम दो। तो मतलब इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया पूरा? ना कोई रिसर्च नहीं। हाँ। पैसे दो, कमीशन दो। हाँ। दवाई तैयार। तो ये दवाई तो इन्होंने बहुत एक्सपोर्ट भी करी है बाहर, मतलब ये पूरी दुनिया ने खत्म कर। हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा। ये तो है, तो ये तो सरकार की नाकामी है। नाकामी बिल्कुल है जी। अच्छा। तो इसलिए जो है लहर जो है वो कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस के जी बिल्कुल। तो लग रहा है कांग्रेस सरकार आएगी तो इन चीजों पे काम होगा? हुड्डा सरकार आओगी, कांग्रेस सरकार आओगी, पूरे बहुमत के साथ आओगी, साथ आएगी। हाँ जी। तो यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा को जिता? बिल्कुल जी बिल्कुल, एक तरफा जिता रहे, एक तरफा बिल्कुल, एक तरफा। बहुत बहुत धन्यवाद युवा भाई है। एक और भी बात है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा बनेगा, कांग्रेस के 10 सांसद बनेंगे और आगे चीफ मिनिस्टर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। अच्छा ये युवा से पूछते हैं ये क्वेश्चन, ये युवाओं में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हम दीपेंद्र हुड्डा का जो चेहरा है वो एक सांसद ना होके एक सीएम का चेहरा देख रहे हैं, एक युवा क्या कहता है इस बारे में? जी बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा करेंगे युवा के लिए बहुत ज्यादा करेंगे, बीजेपी ने युवा कति खत्म कर दिया है। अच्छा हमारे कोच साहब है तड़ा गाँव में, नाम तो मेरे को पता नहीं है, मेरे पास आ रखे थे कल दुकान पे, वे है एथलीट के कोच साहब। जब उनके पास हम 2020 में तैयारी करते थे, 19 में तैयारी करते थे, अग्निवीर नहीं आई थी तो पूरे ग्राउंड में कम से कम 70-80 बाड़क हुए करते जो भर्ती की तैयारी करते करते। कल वे आर्थ में पूछ रहा था सर भर्ती की तैयारी, 10% ही बच्चे नहीं बच रहे। तो ये सच है, क्योंकि हमारे भी सुनने में ये बात आई है कि जो युवा अग्निवीर की तैयारी करते हैं, मतलब जो फौज की तैयारी करते थे वो अब अग्निवीर की तैयारी नहीं करते उस उतने जज्बे से। ना जो सीईटी का एग्जाम हुआ था 3 साल पहले 2021-22 में पास कर लिया बंदों ने, लेकिन 2 साल भी तैयारी करते थे? मैं मेरे भाई करता था, 2 साल तक हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं लिखी, 19 की भर्ती अब क्लियर हुई है, 2019 में जिन्हें टेस्ट करा था वे अब लगे इस साल 2023-24 में। हाँ। तो 5-5 साल की भर्ती लटका गई बड़ा काम। तो आपको लग रहा है कि युवा जो है अगर वो बदलाव चाहता है छिके बैठे जी युवा, तो बाजार में देख लो आप, कति मेन रोड है शहर का, कति व्यापारी बाजार कति ठप कर रखा है, कुछ नहीं मिलेगा आपने देखने खातर बाजार में, कति इसलिए बदलाव। हाँ कति तंग है जी। तो दीपेंद्र को जितवाओगे? दीपेंद्र अपनी तो कितने वोटों से बताइए भाई साहब, लड़ाई थी ना अपनी तो जी दीपेंद्र की। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा की सोच भी सुनी आप लोगों ने,
और नौजवान साथियों की सोच सुनी आप लोगों ने, बीजेपी सरकार के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं, ये उन्होंने बताया है कि अत्याचारी सरकार बोल रहे हैं बीजेपी सरकार को, कि उन्होंने बहुत अच्छा किसानों पे, नौजवान पे, पहलवानों पे, सरपंचों पे कोई छोड़ा ही नहीं है, कोई तबका ऐसा छोड़ा नहीं है जिन्होंने जिन पे अत्याचार नहीं किए, अत्याचारी सरकार का उनको नाम दे रहे हैं और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से हम तंग आ चुके हैं और अब हमें बदलाव चाहिए, बदलाव बिल्कुल वो मांग रहे हैं कि बदलाव आएगा ही आएगा, अब की बार हुड्डा सरकार यहाँ हरियाणा में बनने जा रही है, दीपेंद्र हुड्डा को पूर्ण समर्थन आने की पूरी उम्मीद लग रही है जिस तरीके से भाई ने बताया, और वो कह रहे हैं कि 2-2.5-3 लाख वोटों से वो जीत सकते हैं, यहाँ से इस तरीके का लहर जनता में देखने को मिल रही है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, शहर की जनता जैसा आप लोगों का हमारे कमेंट्स के जरिए सुझाव थे, शहर के आहोभाव, शहर के मूड हम आपको बता रहे हैं, शहर की जनता का ये है मूड, लगातार आपको जनता का मूड दिखाते रहेंगे, जनता की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे, कमेंट्स के जरिए सुझाव देते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।